समझ रहे हो, अटको मत, कचरा हो चुका है आप लोग का दिमाग, भोतर आ गया, बोलते हैं भोतर, कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, पता है मेरी जिंदगी चौपट हो रही है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, समय आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिख रहा है, आपको पता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी भाई दिमाग आप लोग का काम नहीं कर पा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, मैं हूं सुमन सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु, और आज का टॉपिक है क्लीन योर ब्रेन, अपने दिमाग को साफ करो। वो जो दिन भर पार्टनर 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 सोच सोच के अपना जो दिमाग में कचरा जमा लियो ना भाई, उस कचरे को साफ करने की बारी आ चुकी है। इस वीडियो को पूरा देखोगे, अगर आप अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट चाहते हो, सेल्फ ग्रो चाहते हो, लाइफ में कुछ करना चाहते हो, लाइफ में स्टक हो चुके हो, उससे निकलना चाहते हो, भाई पूरा वीडियो देखना एंड तक, और इस वीडियो को लाइक मार दो, एकदम कुछ मत सोचो, लाइक मारो, एकदम रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखोगे, ठीक है भाई। सुनो, बहुत आप लोग ना डिस्टर्ब हो चुके हो, मतलब कई हैं सब्सक्राइबर जो मतलब 2 साल से मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप समझ रहे हो, देखो अच्छी बात है, ठीक है, ये मेरे लिए भी अच्छी बात है कि मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और भी यूट्यूबर्स का देखते हो। लेकिन भाई अगर अभी तक फंसे हुए हो ना, मान लो अभी तक उसी घटिया उसी कचरा पार्टनर के मतलब के लिए फंसे हो ना अभी तक प्यार मोहब्बत में, भाई निकलने की बारी आ चुकी है, इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, एकदम लाइक मारो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, कभी कभी आप लोग को ऐसा नहीं लगता है कि लाइफ को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना चुके हो आप, मतलब बचपन में ऐसा हम लोग के लिए नहीं था लाइफ, बचपन में हम लोग कितना रिलैक्स रहते थे, ठीक है, कि मैं बड़ा हूंगा, मैं बड़ी होंगी, ठीक है, 10th करूंगी, 12th करूंगी, उसके बाद ग्रेजुएशन करूंगी, ठीक है, फिर एक जॉब लूंगी, ये करूंगी, या बिजनेसमैन बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, कितना रिलैक्स वे में हम लोग लाइफ को लेते थे बचपन में। लेकिन जैसे जैसे 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल चलो 40 साल, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, आप समझ रहे हो, मतलब हम लोग के ऊपर कितने घंटों का बोझ है, ठीक है, मतलब एक 20 साल का लड़का या एक 30 साल का आदमी या 40 साल की औरत, मतलब जो भी आप ले लो, सोचो उम्र गुजर, जैसे जैसे उम्र गुजर रहा है, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है, उतना कैसे भाई कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है माइंड, आप समझ रहे हो भाई, जिंदगी ऐसे भी बहुत ही टफ है, ठीक है, ऊपर से आप लोग वो घटिया पार्टनर का सोच सोच के जो और भाई आप लोग कचरा जमा लियो, भाई आप लोग को नहीं लगता है कि आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाना चाहिए, आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हाथ पांव मार रहे हो उस घटिया कचरा पार्टनर के लिए, भाई थोड़ा तो मैच्योरिटी लाओ, आप लोग सब मैच्योर हो, लेकिन ये इमोशनली आप लोग जो डैमेज हो चुके हो ना, इसके वजह से ना मैच्योरिटी तेल लेने चला गया है, सबको पता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है, सबको पता है कि मैं स्टक हो चुका हूं, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, मेरे पास पूरा किताब कॉपी पेंसिल रबर पेन सब कुछ है, मैं अभी पढ़ूं साला आईएएस तक निकाल लूं, सबको पता है, सबको पता है कि मुझे प्यार करने वाला फैमिली है, लेकिन आप टाइम ही नहीं दे रहे हो फैमिली को, माँ बाप को रख दियो कोने में, और वो घटिया और वो कचरा पार्टनर का चाट रहे हो, आप लोग को नहीं लग रहा है कि ये बात अमल करके मतलब ये बात पे गौर करने की जरूरत है कि आप सच में वो कुछ ज्यादा ही पार्टनर पार्टनर के लिए हाथ पांव मार रहे हो, दिमाग हो गया है कचरा, बहुत ज्यादा कचरा हो चुका है भाई, एकदम कूल रहो, सिंपल सी लाइफ है उसको बनाने पे फोकस करो, ठीक है, सिंपल सा भाई ये है, लाइफ में पैसा कमाना है, ठीक है, इतना कमाना है कि माँ बाप को भी मैं थोड़ा कहीं मनाली या कहीं गोवा घुमा पाऊँ, ठीक है, गोवा घुमा पाऊँ मतलब कहीं भी अच्छा जगह, ठीक है, ऋषिकेश या कहीं भी, ठीक है, कोई भी तीर्थ जगह, ठीक है, जो भी होता है भाई, कहाँ कुछ कर पा रहे हो, खुद के लिए नहीं कुछ कर पा रहे हो क्या, घंटा माँ बाप के लिए करोगे, आप लोग भाई अभी तक अटके हो उसी भाई पार्टनर, भाई आप ट्राई ही कर सकते थे, ट्राई किए, ठीक है, नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाओ, समझ रहे हो, ये किसने बोला, ये किसने बोला, बचपन में ही किसी ने लिख के भेजा था क्या, हम लोग के पिछवाड़ा में चिपका दिया था क्या, कि 25 साल की उम्र में जो पार्टनर तुमसे प्यार करेगा वो कुछ भी करके भाई उसको जाने मत देना, ये क्या हम लोग के पिछवाड़ा में किसी ने छाप मारा था क्या, उसको इम्पोर्टेंट आप बना रहे हो, ठीक है भाई, दिमाग बहुत भोतरा गया आपका, कचरा हो चुका है, साफ करो, निकलो भाई, सिंपल सी लाइफ है, लाइफ में पैसा कमाना है, हेल्थ पे ध्यान देना है, माँ बाप को देखना है, ठीक है, जो भी मुझे पूछ रहे हैं मैं उनको पूछूंगा, सिंपल सा है भाई, थोड़े भाई यहाँ इस भाई इस दुनिया में ऐसा थोड़े 1000 साल जिंदा रहेंगे हम लोग, ढंग से 100 साल भी नहीं जिंदा रह पाएंगे, ठीक है भाई, गुजर ही चुका है भाई, बहुत लोगों के 25 साल 26 साल भाई आधा उम्र तो हो चुका है,
आप लोगों को नहीं लग रहा है सच में भाई भर चुके हो बहुत ज्यादा कचरे से। अरे अच्छा खाओ, ठीक है, मतलब अच्छा कमाओ, फैमिली को टाइम दो, ठीक है, फिजिक अच्छा करो, हेल्थ अच्छा करो, जिम जाओ या घर में योगा करो, ये है सिंपल लाइफ। लेकिन पूरा भाई फोन, सुबह उठते हो फोन लेते हो, बस यार ऑनलाइन थी, 12 बजे मुझे गुड नाइट बोल के सो गई, साला 3 बजे लास्ट सीन इसका दिख रहा है, बताओ। अब ये चीज सोच के दिन भर तुम डिस्टर्ब हो। सिंपल सा लॉजिक है उसमें, अगर लड़की होगी धोखेबाज, ठीक है, पति नहीं तो बनाऊंगा नहीं, पिछवाड़ा में मारूंगा लात निकल जाएगी। अब समझो अगर आपका बॉयफ्रेंड है धोखेबाज, अगर होगा तो भाई उसको अपनाऊंगा नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। अब भाई आपका पार्टनर मान लो है धोखेबाज, उसको आप समझा रहे हो ऐसे मत करो, क्यों ऐसे, अरे भाई सुधरेगा, क्यों कचरा भाई दिमाग में भरे हुए हो। बहुत लड़कियां बोलती मुझे बॉयफ्रेंड गाली देता है, अच्छा गाली देता है, ठीक है, मारिए लात पिछवाड़ा में। अब आप उस गाली देने वाले इंसान को चाहोगे एकदम मैं इसको सुधार दूं, पॉसिबल ही नहीं, वो आपका बॉयफ्रेंड का नेचर ही है गाली, ठीक है, उसके रगों में ही दौड़ रही है गाली, उसके माँ बाप नहीं सुधार लिए, आप सुधारोगी, आप टाइम, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा लाइफ है, ठीक है, मतलब बहुत लोग हैं एक पार्टनर के चक्कर में ना पूरी जिंदगी चौपट कर लिए, उम्र 35-36 साल हो जाती है अभी तक शादी नहीं की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शादी करना बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है, लेकिन मन में आप लोग भी तो पछताने लगते हो कि यार 36 साल हो गया, काश मैं शादी कर लेता। तो जब ये पछतावा होने लगता है फिर तो भाई यानी कि आप भी चाहते थे शादी हो टाइम पे, ठीक है, लेकिन आपने लगा दिया 8 साल एक घटिया कचरा पार्टनर के पीछे। अरे खाओ पियो मस्त रहो, अधिकतर वीडियोज में बोलता हूँ ना यही है बेसिक चीज भाई, कभी कभी ना छत पे जाओ और एकदम गहरी सांस लिया करो, समझ रहे हो, लेकिन आप लोग भाई एकदम माइंड को कॉम्पैक्ट करके जी रहे हो जिंदगी, एकदम यार बात नहीं कर रहा है, अरे ये यार मेरा दिमाग क्या कर रहे हो यार, कचरा हो चुका है कचरा, ठीक है, टेंशन में पता नहीं क्यों उल्टा सीधा कभी कभी खाना भी खा लेते हो। कितने लोग हैं मुझे मैसेज करते हैं सर भूख ही नहीं लगता है, सर मेरी बंदी बात ही नहीं करी है, सर मेरा बंदा बात ही नहीं करा। अब इस चक्कर में कुछ लोग बोलते हैं सर कोई रूटीन नहीं है, सर रूटीन का तो MCBC हो चुका है, सर एकदम 3 बजे उठता हूँ तब भूख लगता है, कुछ भी खा लेता हूँ, फ्रिज से निकालता हूँ, हाँ दूध ब्रेड खा लेता हूँ। अब बताओ 2-3 बजे तुम खाना खा रहे हो, ठीक है, तो 2 नंबर कब करोगे, दोपहर 2 बजे करोगे, मतलब सोचो हालत खराब। कितने लोग का भाई एकदम बाल बाल पकने लगता है कम एज में ही, क्योंकि पेट गड़बड़ है, पेट क्यों गड़बड़ है, टाइम पे खा नहीं रहे हैं, टाइम पे क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है, क्यों, क्योंकि पार्टनर बात नहीं कर रहा, बता। अरे रिलैक्स रहो, रिलैक्स, इस पे लोड मत दो, इस पे लोड कूल रहो, ठीक है, सिंपल सा, जिस तरह माँ बाप प्यार करते हैं, ठीक है, उसी तरह भाई पार्टनर को भी करना चाहिए। नहीं कर रहा है एक बार समझा के देखो, फिर भी नहीं कर रहा है हटाओ, ठीक है, लेकिन फिर भी एकदम एफर्ट, वही मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, घर में इधर माँ का तबीयत खराब है, ठीक है, वो नहीं सोच रहे हैं, लेकिन बंदी बात नहीं कर रही है, बंदा बात नहीं कर रहा, मेरे को यही चाहिए। कभी हुआ, कभी बोलते हो कोई मेरी मम्मी का तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मेरे को कलाई काटने का मन कर रहा है, लेकिन ये मैं बहुत लोग का सुना हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, मेरा एकदम जग सुना सुना लग गया, लागे जैसा हालत हो गया है, मेरे को कलाई काटना है। कभी पूछते हो माँ बाप से कि पापा खाना खा लिए, मम्मी खाना खा लिए, कैसी है तबीयत, लेकिन यहाँ पार्टनर से बेबी खाना खा लिए, क्या कर रहे हो यार, मतलब जो आपको पूछ नहीं रहा है उसको आप पूछ रहे हो, हैं, ठीक है, नाराजगी मनमुटाव थोड़ा रिलेशनशिप में चलता है, लेकिन कब तक, आपका पार्टनर भाई हो गया है 9 महीने तक बात ही नहीं कर रहा है, फिर भी भाई उसका वेट कर रहे हो, दिन भर उसका फोटो देख रहे हो छुप छुप के, कचरा हो चुका है, दिमाग को शांत कीजिए, अच्छा खाइए, ठीक है, एक रूटीन बनाइए, प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए, ठीक है, आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन भाई एक असलियत तो अपना हो कि आपके माँ बाप का भी उम्र हो रहा है, आपके माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं, ये भी तो देखो, पार्टनर तो लगभग आप ही के एज का है, ठीक है, कुछ साल बड़ा या छोटा होगा, माँ बाप तो भाई तुम लोग से भाई 20-20 साल बड़े हैं, समझो, माँ बाप भी बूढ़े हो रहे हैं भाई, उनको भी तो टाइम दो। कितने लोग हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ माँ बाप को लेके, पता है, क्योंकि कई लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, कई सब्सक्राइबर, कि सर माँ बाप से भी मैं चिड़चिड़ा के बात करता हूँ, एकदम सलाम, मैं क्या बोलूँ सर, पापा से भी, पापा पे हाथ उठा दिया था, वो मुझे कुछ बोल रहे थे बंदी को लेके, तो मैं हाथ उठा दिया, तब बताओ, अब बाद में फिर रोने लगा, बोल रहा पापा को, मैं पाँव पकड़ के रोने लगा सर, पापा भी बोले कोई बात नहीं बेटा होता है, समझो,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं तो कई स्टोरी सुनता हूँ कई लोगों का, समझ रहे हो भाई? भाई ये भाई आप लोग ना कचरा कर लियो, ना ढंग से पढ़ पा रहे हैं बहुत लोग, ना ढंग से जॉब कर पा रहे हैं पार्टनर के चक्कर में, ना टाइम पे शादी कर पा रहे हैं क्योंकि वही चाहिए जिद बना लियो, ठीक है, ना अपना हेल्थ पे फोकस कर पा रहे हो, समझो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो आप? उस तरह तो बेसिक काम लगभग सब कर ही रहे हैं जो आप थोड़ा सा कर लिए, थोड़ा कमा लिए हैं, ठीक है, थोड़ा खा लिए, माँ बाप से थोड़ा बात, इसी के लिए तो भाई सब कर रहा है। आप अलग क्या कर रहे हो, क्या यूनिक कर रहे हो, क्या अलग कर रहे हो? क्या आप मिरर के सामने, आईने के सामने जाके ऐसे बोल सकते हो कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ खुद से, ठीक है, मैं खुद से एकदम कंप्लीटली सेटिस्फाइड हूँ? नहीं, 100% सेटिस्फाइड होने नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये बोल सकते हो कि हाँ मैं खुद से खुश हूँ, ठीक है, मैं अपने लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ, बोल सकते हो? अगर आप बोल सकते हो, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मैं बोल सकता हूँ मिरर के सामने, ये लिखना, हाँ मैं मिरर के सामने बोल सकता हूँ कि मैं खुद से खुश हूँ। और जो लोग नहीं बोल सकते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि नहीं मैं बेवकूफ हूँ, मैं नहीं लिख सकता, मैं भी तो देखूं कितने लोग ईमानदार हैं। कचरा बना के रखे हो, अरे भाई एक इंसान है, ठीक है, क्या उसमें हीरा जरा हुआ है क्या जिसके लिए आप पागल हो? है भाई, नॉर्मल है भाई, वो नहीं नहाएगा उसके शरीर से बदबू आएगी, वो भी खाता है तो वही दो नंबर करता है, पसीने उसके शरीर से निकलते हैं, वही भाई एक दिन वो भी बूढ़ा होके मरेगा। भाई क्या स्पेशल आप देख रहे हो? वही चाहिए, वही चाहिए। मेरे को भाई एक लड़की बोल रही थी, सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी अंजाम हो, कुछ भी अंजाम, बॉलीवुड वाला लाइन लिया, कुछ भी अंजाम हो मेरे को वही पार्टनर चाहिए, वही बॉयफ्रेंड चाहिए। पूछो उम्र कितना है, तो सर उम्र तो 15 साल है, मैं फिर मैंने बोला 10th का तैयारी कर, अंजाम कुछ भी हो मुझे वही चाहिए। 15 साल की लड़की, ठीक है, कोई 26 साल के लड़के में पागल थी, ठीक है, वही चाहिए। बाद में पता चलो 26 साल वाला तो भाई 50 को पटाके घूम रहा है, कचरा हो चुका है भाई, कब साफ करोगे, कब साफ करोगे इसको? थोड़ा फोकस कीजिए, अच्छा खाना खाइए, एक रूटीन बनाइए, योगा सोगा करो, ठीक है, टाइम पे एक्सरसाइज करो। कैरियर में क्या करना है, मान लो तुम कमा रहे हो भाई 15,000 महीने, उसी में अटक के रहोगे कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 और 30 से 1 लाख तक भी जाने का सोचियो? असलियत अपनाओ ना भाई, ये पार्टनर घटिया था नहीं आएगा, या पार्टनर, ये पार्टनर भाई बेकार हो गया नहीं आया, या मैं ही लायक नहीं रहा इस पार्टनर का, असलियत अपनाइए ना। आप लोग असलियत नहीं अपना रहे हो, आप लोग अटक के रह रहे हो, अटक जा रहे हो आप लोग, समझ रहे हो? अटको मत, कचरा हो चुका है आप लोग का दिमाग, भोतर आ गया, बोलते हैं भोतर, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपको पता है मेरी जिंदगी चौपट हो रही है, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, समय आंखों के सामने से गुजरता हुआ दिख रहा है, आपको पता है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर भी भाई दिमाग आप लोग का काम नहीं कर पा रहा है। वो जो कचरा जैसा पार्टनर है ना, वो जम चुका है, समझे? देखते हो ना, कोई नाली में कैसे पॉलोथिन वोलोथिन जब जमा हो जाता है, वो नाली बह नहीं पाता है, कोई भी नदी या नाली जो भी बोलो, लेकिन वो कचरा जब हटाते हैं कैसे नाली एकदम फ्लो में बहता है, उसी तरह हम लोग का दिमाग है भाई। दिमाग आप लोग का कूल रहेगा, ठीक है, कूल जितना रहेगा उतना अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे, उतना प्रोग्रेसिव वे में सोचोगे। कितने लोग हैं एक डीपी तक चेंज नहीं करते हैं, बहुत लोग, सोशल मीडिया का जमाना है, मुझे भी आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हो, ठीक है, कितने लोग हैं साला एक फोटो तक अपलोड नहीं कर रहे, और उम्मीद कर रहे हैं पार्टनर जो रील पे रील बनाता है उसको मैं अट्रैक्ट कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है भाई। आपको भी अपग्रेड करना होगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुश रहा करो, थोड़ा एक फोटो डालो, कॉन्फिडेंस आएगा, आपका पार्टनर भी सोचेगा अरे यार ये तो मस्त अपना लाइफ जी रहा है, लेकिन वही दिन भर लेटे रहते हो, फोन चला रहे हो, उसका फोटो देख रहे हो, नौकरी चाकरी कर भी रहे हो तो वहां भी साला चुपके चुपके सीसीटीवी कैमरा और मैनेजर देख ना ले, ठीक है, एकदम ऐसे ऐसे देख रहे हो कि ऑनलाइन है किससे बात कर रही है, भाई अटक चुका है, बोलते हैं ना मन अटक गया है, अटक वही गनवा भाई एकदम आप लोग पे लागू होता है, समझ रहे हो? कचरा साफ करो, कचरा इज इक्वल टू योर पार्टनर, ठीक है, पार्टनर को साफ करो। मैं ये नहीं बोल रहा एकदम ब्रेकअप ही कर लो, अगर घटिया पार्टनर है तो ब्रेकअप तो करो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है, लेकिन मुझे बहुत भाई मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, सोचो मत, बस अपना नो कॉन्टेक्ट रूल जैसा चीज फॉलो करते रहो, साइड बाय साइड, साइलेंट मॉन्क मोड, ठीक है, थोड़ा डीपीपी अपना चेंज करो, ठीक है, कॉल मैसेज खुद से करने की जरूरत नहीं, कंट्रोलिंग पावर थोड़ा लाओ अपने अंदर, बस यही सब करने से पार्टनर आता है। अब नहीं भी आता है तो भाई क्या कर सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि कम से कम अपने पार्टनर के लिए 3 महीने वेट करना, 3 महीने
ज्यादा से ज्यादा 6 महीने, ज्यादा से ज्यादा, बहुत अगर लंबा रिलेशनशिप रहा है 4-5 साल का, तब इसके बाद भाई कोई कोई उम्मीद नहीं, कोई वेट करने की जरूरत नहीं, कचरा साफ करो। और जो लोग हैं बहुत ही समझदार, एक बार में अगर मूव ऑन कर पाओ तो भाई सैल्यूट है आप लोग पे, ठीक है। लेकिन इसको साफ करो, क्लीन योर ब्रेन, कचरे समान पार्टनर को हटाओ भाई। उसकी जगह पता है यहाँ नहीं है, आपका पार्टनर जो कचरा है ना, यहाँ उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह डस्टबिन में है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक मारो भाई, एकदम लाइक मारो भाई, 300-400 हो जाना चाहिए लाइक। शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी, पे कीजिए, ठीक है। काउंसलिंग फी लगेगा, पेमेंट तो लगता है भाई, ठीक है, मैं 1 घंटे बात करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।